आज गाड़ी है हमारे पास महिंद्रा XUV 300 और इसमें हमें एंड्रॉयड फिट करना है, चारों स्पीकर फिट करने हैं। तो एंड्रॉयड फ्रेम हम कैसे खोलते हैं, ये कंसोल कैसे खुलेगा उसके बारे में वीडियो बनाते हैं। ये खोलो, पहले हम ये निकाल लेंगे। इसको निकालने से क्या होगा कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा पकड़ बन जाती है, वरना इसके लॉक निकलते नहीं हैं। और उसके बाद ये प्लास्टिक की चाबी लगा के इस तरह से ये वाला कवर बाहर आ जाएगा। पहले इसे निकालना है गियर लीवर के कंसोल को, उसके बाद ये वाला पीस निकालना है, फिर हमें ये स्क्रू खोलना है। इसके साइड में यहाँ पर दो स्क्रू हैं, ये दो स्क्रू हम खोल लेंगे। ये भी खोल दिया और ये भी खोल दिया। अब इस फ्रेम को हम धीरे धीरे खींचेंगे, फ्रेम निकल जाएगा। निकालो भाई जी। प्लास्टिक वाला टूल हो इस तरह से पकड़ के यहाँ से इस तरह निकाल लेंगे। पहले एक कोने से निकाल लेंगे। दरवाजा बंद करना है, दरवाजा बंद करना। इस तरह से सारे लॉक निकल जाएंगे। ये फ्रेम अलग हो गया। अब इसमें यहाँ पर चार स्क्रू हैं इस प्लेट में, एक यहाँ पर है ऊपर, एक नीचे है इस साइड, और सेम ऐसे यहाँ पर है, एक ये है और एक यहाँ पर नीचे है। पहले ये खोलेंगे, सारे स्क्रू निकालने के बाद ये वाली प्लेट, ये इंडिकेटर वाली जो स्ट्रिप है इसके नीचे दबी हुई है, ये स्क्रू खोलेंगे सारे। स्क्रू भी कंपनी ने बहुत सारे लगाए हुए इसमें। लॉक इसके बहुत टाइट बैठे हुए होते हैं, बस प्लास्टिक की चाबी रहेगी तो निशान नहीं आएगा डैशबोर्ड में। अभी कोई निशान नहीं है। ये पैनल ये वाला खुल गया हमारा, एसी वाला बटन। उसके बाद ये बाहर आ गया इंडिकेटर वाला। दो पेच हमने ऊपर खोले थे, एक इस साइड और दो ये हमारे एरे, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। एक पेच इधर है। ये हमने निकाल दिया, जैक इसमें सारे हैं ये। अब इसके जैक लेंगे, एंड्रॉयड फिट करेंगे, कैमरा लगाएंगे और इसमें स्पीकर फिट करेंगे। कौन से फिट करेंगे मैं दिखाता हूँ अभी आपको। अब इसके हम डोर पैनल खोल रहे हैं, ठीक है। स्पीकर भी लगाने हैं इसमें, तो स्पीकर भी फिट होंगे। फ्रंट स्पीकर में हम लगा रहे हैं ये वाला सिस्टम, ब्लॉपंग के है, टू वे कॉम्पोनेंट है ये, और 390 वाट इसमें मैक्सिमम, बहुत बढ़िया स्पीकर है। तो फ्रंट में हम ये वाला सेट लगाएंगे और रियर में जो हम सेट लगाएंगे, रियर में हम ब्लॉपंग का ही लगाएंगे। ये टू वे कोएक्सल स्पीकर है, ठीक है, ये 320 वाट में है, ये रियर में लगा देंगे, वो वाला हम फ्रंट में लगा देंगे। ये स्पीकर इसमें रियर में लगाएंगे और ट्यूटर भी इसका बड़ा जबरदस्त दिया हुआ एडजस्टमेंट, इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से।
सिस्टम इसमें हम लगा रहे हैं 9 Pro T निपॉन, बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। कैमरा इसमें लगा रहे हैं हम DH 4.3 मूविंग लाइन। बाकी मदरबोर्ड था वो कंपनी में जाना था, डिस्प्ले थी कंपनी में जाएंगी, टच थी टू बी रिटर्न टू कंपनी, क्रॉसओवर था उसका वो भी टू बी रिटर्न टू कंपनी। स्पीकर के लिए कपलर इसमें आते हैं, इसमें जैक लगा के इसी से कनेक्शन हो जाएगा। और रिवर्स कैमरे के लिए लीड डाली, यहाँ से कैमरे की वायर आएगी और इसके कनेक्शन होंगे। ये पूरा डिक्की का पैनल खोल दिया, कंपोनेंट के साथ हमारा एक ये छोटा एम्पलीफायर भी कह सकते हो आप इसे, क्रॉसओवर होता है, छोटा सा क्रॉसओवर है। और इसमें क्या होगा, जो हमारा सिस्टम से स्पीकर आउट होगा वो यहाँ इन हो जाएगा, जो हमारा सिस्टम से स्पीकर के लिए तार निकलता है उसको हम यहाँ डाल देंगे इन में। उसके बाद यहाँ से हमें ये आउट मिलेगा, ये ट्यूटर के लिए हो जाएगा, और ये वूफर, वूफर मतलब स्पीकर। सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका, और कई बंदे बोलते हैं यहाँ पर गैप आ जाता है, तो उसके लिए अंदर जो डैशबोर्ड का प्लास्टिक वाला लॉक है उसको अगर सेट कर लेंगे तो गैप नहीं आएगा। तो देखो कोई गैप नहीं है इसमें। और इसका रिवर्स भी चेक करा देता हूँ, कैमरा कहाँ फिट किया है वो भी मैं दिखा दूंगा, पूरा बम्पर शो कर रहा है इसमें, ठीक है। अभी मैं कैमरा भी आपको चेक कराऊंगा, कैमरा किस पोजीशन पे लगाया हुआ है। और साउंड में सुना नहीं सकता, वो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, वरना आवाज़ बहुत बढ़िया आ रही है सेटअप के साथ जो हमने स्पीकर इसमें यूज़ किए। अभी मैं कैमरा भी दिखाता हूँ, पेन ड्राइव का स्लॉट भी हमने कटिंग करके यहाँ पर फिट कर दिया इसमें। कैमरा हमने यहाँ पर लगा दिया, ओरिजिनल यहाँ आता है लेकिन हमने इसमें यहाँ पर फिट किया है।